दोस्तों एक मूवी आने वाली है एक ऐसे क्रिकेटर के ऊपर जिन्होंने पूरी दुनिया को बदल दी, जिन्होंने एक बॉलिंग एक्शन को इतना ज्यादा पॉपुलर कर दिया और इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी में ये इंसान रहे कि बहुत ज्यादा पॉपुलर तो हुई, ऊपर से इनकी जो अचीवमेंट्स है वो इतनी ज्यादा बड़ी है कि मैं अगर बोलने भी जाऊं तो शायद ये वीडियो बहुत छोटी पड़ जाए उस चीज के। मैं बात कर रहा हूँ 800 की, मुरलीधरन की ये बायोपिक है जिसको इंडिया वाले डायरेक्ट करने वाले हैं। उसके नीचे जब आपने ट्रेलर इनका लॉन्च हुआ तो नीचे बहुत सारे श्रीलंकन वाले थे, उन्होंने कमेंट करके लिखा कि हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके कि आपने मुरलीधरन द लेजेंड के ऊपर ये मूवी बनाई। अब इस मूवी में क्या होगा क्या नहीं होगा वो मैं आपको बताता हूँ। मुरलीधरन की लाइफ से लेके, जैसे आपने MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी तो देखी होगी, वहां पर जैसे धोनी के बारे में बताया जाता है, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उनके लाइफ टाइम में क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या चीजें अच्छी हुई, क्या क्या चीजें बुरी हुई, वैसे ही मुरलीधरन के बारे में। अब मुरलीधरन जो थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे, कैसे वो क्रिकेट जगत में आए, कैसे उन्हें बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी यहाँ पे देखने को मिली और झेलने को मिली उनके बॉलिंग आर्म की वजह से, बॉलिंग एक्शन की वजह से। अब सबसे ज्यादा मजेदार बात तो यह है कि जब ऑस्ट्रेलिया वो क्रिकेट खेलने के लिए गए हुए थे तो बार बार नो बॉल देने की वजह से मुरलीधरन को वहां से बॉलिंग एक्शन से हटा दिया गया था। अब इसमें बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी ये भी थी जो उस टाइम पे उनके कप्तान थे अर्जुना रानातुंगा, उन्होंने मैच भी विड्रॉ कर लिया था। बीच मैच में उन्होंने बोला था कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम मैच नहीं खेलेंगे, और मैच से बाहर आ गई थी पूरी टीम एक साथ। ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था कि एक कल का आया लड़का बेसिकली उनके सामने इतना ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करके चला जाए, तो उन्होंने एक उनके जो बॉलिंग एक्शन को था उसको क्रिटिसाइज किया। जो वहां पे अंपायर थे उन्होंने बार बार बोला कि नहीं, नो बॉल नो बॉल नो बॉल। वहां से फिर वो ICC गए, ICC में उनकी टेस्टिंग हुई, टेस्टिंग में सब कुछ नॉर्मल निकला, उसके बाद भी ये कॉन्ट्रोवर्सी बढ़ती चली गई। अब शेन वॉन वर्सेस मुरलीधरन ये बहुत एपिक बैटल चलती थी, तो 90s के बच्चे होंगे उन्हें पता है कि क्रिकेट लवर जो भी थे उन्हें शेन वॉन वर्सेस मुरलीधरन देखना बहुत ज्यादा पसंद था। अब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने एक तरीके से एक मुहिम छेड़ दी थी कि हम मुरलीधरन को नीचा दिखा के रहेंगे ताकि अपना करियर छोड़ दें, बॉलिंग छोड़ दें, मगर ऐसा हुआ नहीं। मुरलीधरन ने फिर से फाइट बैक किया और अभी तक के वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स बन गए। टेस्ट में 800 विकेट और ODI में 500 से ज्यादा विकेट उन्होंने ली और वन ऑफ द लेजेंड्स बन गए इस क्रिकेट की दुनिया के। अब ये मूवी उसी के बारे में है, उनके बिफोर द क्रिकेट जर्नी, वो कैसे क्रिकेट में घुसे, उनको क्या क्या चीज़ों की दिक्कतें पड़ी थी और क्या क्या चीज़ें उनके बीच में आई थी क्रिकेट और उनकी लाइफ के बीच में, ये सब इस मूवी में बताया जाएगा। और कितना हद तक ये बात सही होगी कितनी नहीं होगी ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। इसका ट्रेलर ऑफिशियली आ चुका है, 800 के नाम से ये मूवी आने वाली है। मूवी कब रिलीज होगी क्यों नहीं होगी ये अभी तक पता नहीं है, मगर अगर अभी तक आपने ट्रेलर नहीं देखा है तो एक बार देखना जरूर, क्योंकि हम सारे जो क्रिकेट फैंस है ना हमें बहुत ज्यादा पसंद है ऐसी बायोपिक देना, ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें देखना, और खासकर मुरलीधर द लेजेंड ऑफ स्पिनिंग, द लेजेंड ऑफ दोबारा दूसरा, ये हमें बहुत अच्छा लगता है। तो बस यार इतनी थी वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।